हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक के बारे में। देखो दोस्तों, स्टॉक का 400 रुपए का हाई था, लेकिन उसके बाद दोस्तों स्टॉक ने पीछे पलट के नहीं देखा है। लगभग 395 रुपए के आसपास का हाई बनाया स्टॉक ने, उसके बाद दोस्तों स्टॉक ने पीछे पलट के नहीं देखा है यहाँ पे। लेकिन अब काफ़ी बातें भी निकल के आ रही है कि क्या स्टॉक लॉन्ग टाइम पर्पज से होल्ड करने के लिए सही है या नहीं है, हम आगे बात करेंगे यहाँ पे। देखो दोस्तों, एक 400 रुपए का स्टॉक 350 का स्टॉक है, ये क्या 500 की जाने की क्षमता रखता है या नहीं रखता है, हम आगे बात करेंगे। आज आपको 4 रुपए के आसपास का उछाल देखने को मिला है। आज का हाई काफी अच्छा था, यहाँ पे 328 रुपीज के आसपास का हाई बनाया स्टॉक ने। पिछले 5 डे की बात करूँ, हमें माइनस प्लस ठीक ठाक रिटर्न दिया, लेकिन 0.90 रुपीज के आसपास का उछाल देखने को मिला है। एक मत में माइनस 0.65% है, मतलब 6 मंथ के बाद सिर्फ 3 रुपए प्लस में है। मतलब दोस्तों पिछला रिटर्न काफी खराब है इसका, खराब लगा मेरे को। ना दोस्तों स्टॉक ने हाई बनाया, ना जंप दिया, ना लो बनाया स्टॉक ने यहाँ पे। लेकिन अब करना क्या चाहिए यहाँ पे, देखो दोस्तों, अगर स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है आपने, तो मैं कहूँगा आपको स्टॉक को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर लो, आने वाले 1 साल के लिए। टारगेट में आपको बोल रहा हूँ 600 रुपये का देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जो बिजनेस प्लान नया आया ना इसका, उसके बाद दोस्तों काफ़ी बड़ा धमाका होने वाला है इस स्टॉक में, और हो सकता है जियो पे भी लॉन्च होने वाला है। और एक बात निकल के आ रही है यहाँ पे, कंपनी दोस्तों लोन का भी प्लान बनाई, कंपनी होम लोन, फाइनेंस लोन, प्रॉपर्टी लोन, मतलब दोस्तों ये भी कंपनी प्लान बना रही है यहाँ पे। तो हो सकता है इसके बाद भी कोई उछाल आपको देखने को उम्मीद है, यहाँ पे उछाल देखने को मिल सकता है।